अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं डिजाइनिंग इफेक्टिव नेविगेशन। जब आप एक पेज से दूसरी वेब पेज पे मूव करते हैं उस मूवमेंट को बोलते हैं नेविगेशन। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो उसमें बहुत सारे एरो एरो या लिंक या साइड में आपको पूरा साइट में दिखाया जाता है कि आप किस पेज से किस पेज पे मूव हो सकते हो। जिससे क्या हो, अगर आपको ये पता करना है कि आप किस वेब पेज पे हो और इसके बाद कौन सा नेक्स्ट वेब पेज आएगा या आप किसी अनदर वेब पेज पे मूव करना चाहते हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको नेविगेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो नेविगेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज। नेविगेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग वेबसाइट विजिटर्स टू व्यू मोर देन जस्ट द होम पेज ऑफ वेबसाइट। जो नेविगेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेबसाइट में विजिटर्स को बढ़ाने के लिए कह सकती हो। जो नेविगेशन है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए आपकी वेबसाइट में कि यूज़र जो है सिर्फ होम पेज नहीं देख के और बाकी वेब पेजेस को भी विजिट करे। इफ़ नेविगेशन चॉइसेस आर अनक्लियर देन विजिटर विल नॉट टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ ए साइट। अगर आपने नेविगेशन प्रॉपर नहीं रखा है अपनी वेबसाइट पे कि किस वेब पेज से यूज़र दूसरे वेब पेज पे जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हो प्रॉपरली, ये अनक्लियर रहता है, तो विजिटर जो है आपकी पूरी वेबसाइट को देखेगा ही नहीं, तो इट विल नॉट टेक दी मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ योर वेबसाइट। वेबसाइट नेविगेशन इज इम्पॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ योर वेबसाइट विजिटर एक्सपीरियंस टू योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट की नेविगेशन पे डिपेंड करती है आपकी वेबसाइट की सक्सेस की यूजर जो है आपके वेबसाइट को कितना विजिट करेगा, क्योंकि जितना अच्छा एक्सपीरियंस विजिटर्स को आपकी वेबसाइट पे मिलेगा उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया जाएगा। वेबसाइट नेविगेशन सिस्टम इज लाइक अ रोड मैप टू ऑल द डिफरेंट एरियाज एंड इन्फॉर्मेशन कंटेंट विद इन द वेबसाइट। तो वेबसाइट नेविगेशन सिस्टम जो क्या एक तरह का रोड मैप है। अगर गूगल नेविगेशन आपको रोड बताता है कि इस रोड से जाना है आपको आपके डेस्टिनेशन तक, तो सिमिलरली वेबसाइट नेविगेशन सिस्टम भी क्या होता है, रोड मैप की तरह होता है, जो आपकी वेबसाइट में कौन सी एरियाज हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें कंटेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एवरी पेज ऑफ ए वेबसाइट शुड लेट यू नो वेयर आई एम, व्हाट्स हियर, वेयर कैन आई गो नाउ। तो हर वेब पेज में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए विजिटर के लिए कि उसे पता चले कि वो किस वेब पेज पे है, इस वेब पेज के कंटेंट्स क्या हैं और अब उसे कहाँ जाना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए नेविगेशन को हर वेब पेज पे। तो नेविगेशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक ग्लोबल अक्रॉस दी वेबसाइट जो सारी वेबसाइट में सेम रहते हैं, और लोकल फॉर ए सबसेक्शन ऑफ दी वेबसाइट। तो सेक्शन में क्या क्या सबसेक्शन है उनके इन्फॉर्मेशन। तो ग्लोबल वेबसाइट नेविगेशन क्या होता है, इट शोज दी टॉप लेवल सेक्शन और पेजेस ऑफ दी वेबसाइट। जो मेन मेन वेब पेजेस होंगे वेबसाइट के उनको शो करता है ग्लोबल वेबसाइट नेविगेशन सिस्टम। इट इज अवेलेबल ऑन ईच पेज एंड लिस्ट दी मेन कंटेंट सेक्शंस और पेजेस ऑफ दी वेबसाइट। पेज पे ये अवेलेबल होता है जिसमें एक लिस्ट बनी रहती है मेन कंटेंट सेक्शंस की, मेन सेक्शंस की और वेब पेजेस ऑफ दी वेबसाइट की। श्रुता, लोकल वेबसाइट नेविगेशन, लोकल नेविगेशन वुड The link with the text of your web pages linking to other pages within the website. तो वेबसाइट के अंदर के जो टेक्स्ट हैं उन पे अगर आपको कोई लिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है, या दूसरे वेब पेजेस पे मूव करना है विद द हेल्प ऑफ लिंक, तो उसकी इंफॉर्मेशन लोकल वेबसाइट नेविगेशन में दी जाती है। तो जैसे यहाँ पर देखो, ग्लोबल नेविगेशन कहाँ पर रहता है, टॉप ऑफ द वेब पेज, ठीक है, और ये क्या बताता है कि मेन वेब पेजेस या सेक्शंस कौन से हैं वेबसाइट के। और लोकल नेविगेशन कहाँ पर रहता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड बार में, और यहाँ पर लिंक्स होते हैं वेरियस जो आपको मूव करवा सकते हैं वेरियस कंटेंट्स विद इन दी वेब पेज, आपके वेब पेज के अलग अलग टेक्स्ट पे मूव करवा सकते हैं या फिर आपकी वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पे लिंक करवा सकते हैं। यहाँ पर ये नेविगेशन, ग्लोबल नेविगेशन क्या बताता है, वेयर आई एम, ठीक है, आप कहाँ पर हो, ये ग्लोबल नेविगेशन बताएगा। लोकल नेविगेशन बताएगा व्हाट इज नियर बाय, कि इसके नियरेस्ट, इस वेब पेज के नियरेस्ट क्या क्या है। और कंटेक्सुअल नेविगेशन व्हाट्स हियर बताता है, यानी कि क्या क्या कंटेंट है वो यहाँ पर, वेब पेज के कंटेंट्स यहाँ पर आते हैं। नेविगेशन लिंक्स आर आइदर टेक्स्ट बेस्ड, वर्ड्स और फ्रेसेस इज यूज्ड एज लिंक। अगर आप लिंक्स के थ्रू एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज या विद इन वेब पेज के कंटेंट्स पे मूव कर पा रहे हो तो वो टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है। टेक्स्ट बेस्ड मतलब कोई वर्ड लिखा होगा, ठीक है, जैसे हाय, और इस पर आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट वेब पेज पे या किसी और कंटेंट, इसी वेब पेज के किसी कंटेंट पे मूव हो जाओगे।
तो लिंक्स जो हैं वो वर्ड्स या फ्रेज के फॉर्म में भी होते हैं और ग्राफिकल भी हो सकते हैं, जैसे इमेज है, आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हो। ठीक है, इमेज हो सकती है, आइकन हो सकते हैं, लोगो हो सकते हैं, इज़ यूज्ड एज लिंक, क्योंकि नेविगेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी वेबसाइट की सक्सेस पे। तो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ इफेक्टिव नेविगेशन? टू बी इफेक्टिव द वेबसाइट नेविगेशन सिस्टम नीड्स, फर्स्ट इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द वेबसाइट। आप जो भी नेविगेशंस बना रहे हो वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा? द वेबसाइट विजिटर्स विल लर्न थ्रू रिपीटेशन हाउ टू गेट अराउंड द वेबसाइट। अगर सभी में एक जैसा नेविगेशन आप रखोगे, कंसिस्टेंट रखोगे, तो यूजर ने अगर एक बार उसको समझ में आ गया कि एक पेज से दूसरे वेब पेज पे या एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पे नेविगेट कैसे करना है, तो रिपीटेशन से वो सीख लेगा वो आपकी पूरी वेबसाइट को वो कैसे विजिट कर सकता है। दी मेन नेविगेशन लिंक्स कैप्ट टुगेदर, जो भी मेन कंटेंट है, जो भी मेन नेविगेशन से आपके वेबसाइट्स के, उनको आपको एक साथ रखना है। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द विजिटर टू गेट द मेन एरियाज ऑफ द वेबसाइट। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जितने भी मेन लिंक्स हैं अगर आप उनको एक साथ रखते हो तो विजिटर के लिए ये ईजी हो जाएगा सभी मेन एरियाज ऑफ द वेबसाइट को विजिट करना। रिड्यूस्ड क्लटर बाय ग्रुपिंग लिंक्स इनटू सेक्शंस। अगर सपोज हमारी वेबसाइट में 1000 लिंक्स हैं तो हम 1000 के 1000 लिखेंगे एक साथ लिंक्स, तो यूजर को सर्च करना, विजिटर को सर्च करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करें, जो भी रिलेटेड लिंक्स हैं उनका एक एक सेक्शन बना लें। जैसे यहाँ पर 10-10 के हम लिंक्स का एक सेक्शन बना रहे, तो हमें 100 सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। उनको सर्च करना यूजर के लिए, विजिटर के लिए इजी होगा एज कम्पेयर टू 1000 लिंक्स एक साथ रखना। तो इफ द लिस्ट ऑफ वेबसाइट नेविगेशन लिंक्स आर ग्रुप्ड इनटू सेक्शंस, ईच सेक्शन हैज ओनली 5 to 7 लिंक्स, इट विल मेक इट इजियर टू रीड द नेविगेशन स्कीम। नेक्स्ट इज मिनिमल क्लिकिंग टू गेट टू वेयर द विजिटर वॉन्ट्स टू गेट टू। मतलब क्या है कि विजिटर को अगर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना है तो उसे मिनिमम क्लिक करने पड़े। ऐसा नहीं हो कि पहले इसने इस पे क्लिक किया, इससे फिर दूसरे लिंक पे क्लिक किया, फिर तीसरे लिंक पे क्लिक किया, तब जाके वो पहुंच पा रहा है डिजायर वेब पेज पे। तो ज़्यादा क्लिकिंग यूजर को नहीं करनी पड़े, कम से कम क्लिकिंग करके वो अपने डिजायर वेब पेज पे रीच कर सके। सम विजिटर्स कैन बिकम कन्फ्यूज और इनपेशेंट वेन क्लिकिंग अ बंच ऑफ लिंक्स टू गेट टू वेयर दे वॉन्ट टू बी। सो इफ द नंबर ऑफ क्लिक्स टू द वेब पेज द विजिटर विश टू विजिट इज मिनिमल, दिस लीड टू अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर देम। नॉर्मली क्या होता है, विजिटर ज़्यादा क्लिक को पसंद नहीं करता है, तो नंबर ऑफ क्लिक्स जो विजिटर को क्लिक करने पड़े वो मिनिमल होने चाहिए जिससे उसे बेटर एक्सपीरियंस मिले आपकी वेबसाइट को विजिट करने का। नेक्स्ट इज लिंक शुड बी अंडरस्टैंडेबल। जो लिंक प्रोवाइड किया है उससे उसकी मीनिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर सपोज वो पिक्चर सर्च कर रहा है तो लिंक का नाम पिक्चर होगा तो उसे इजीली समझ में आ जाएगा कि उसे पिक्चर वाले पेज पे मूव करने के लिए इस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा। प्रोवाइड सर्च लिंक इफ नेसेसरी यूजुअली ऑन टॉप ऑफ द पेज। और सर्च लिंक भी प्रोवाइड करना चाहिए जिससे, जैसे आपने देखा होगा वेब पेज पे अगर आपको कुछ सर्च करना है तो सर्च का ऑप्शन रहता है, तो हो सके तो सर्च का ऑप्शन भी देना चाहिए टॉप ऑफ द वेब पेज पे। अगर वो किसी पर्टिकुलर वेब पेज को या किसी पर्टिकुलर कंटेंट को सर्च करना है तो वो इजीली सर्च कर पाए। यूज कॉमन लिंक सच एज अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन भी नेविगेशन लिंक प्रोवाइड करना चाहिए जिससे अगर यूजर हमारी कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसे ईजीली मिल जाए। प्रोवाइड द वे टू रिटर्न टू फर्स्ट पेज ईजीली। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेब पेज पे होते हो तो आपको एक बटन दिखता है होम। ठीक है, कि अगर आप होम पेज पे जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करो तो आप होम पेज पे चले जाओगे। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, यूजर को बहुत सारे क्लिक बैक करके होम पेज पे नहीं आना पड़ेगा, वो डायरेक्टली होम पेज पे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार कैन बी प्रोवाइडेड ऑन ईच पेज टू डायरेक्टली जंप टू एनी सेक्शन। तो टॉप ऑफ द वेब पेज पे हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार होना चाहिए जिससे क्या हो, जिसपे वेरियस मेन सेक्शंस के लिंक्स गिवन हो, हर सेक्शन का लिंक, मेन सेक्शन का लिंक गिवन हो, तो उससे क्या होगा, यूजर को जिस भी सेक्शन पे जाना होगा तो वो इजीली
उस लिंक से डायरेक्टली जंप कर पाएगा डिजायर सेक्शन पर. क्रिएटिंग द वेबसाइट नेविगेशन सिस्टम एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ द वेबसाइट विल इफेक्ट द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द वेब पेज लेआउट एंड हेल्प टू डेवलप द ओवरऑल प्लान ऑफ प्लान फॉर द वेबसाइट. तो नेविगेशन जो वेबसाइट नेविगेशन सिस्टम जो है वो प्लानिंग स्टेज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए क्रिएट करना, ठीक है. जिससे क्या होगा कि वेब पेज का जो लेआउट है वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होगा, इजी हो जाएगा ओवरऑल वेबसाइट को डेवलप करना. नेविगेशन सिस्टम ओवरऑल डिजाइन ऑफ द वेबसाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है. आप नेविगेशन कहाँ कहाँ रखना चाहते हो ये आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे आप इजीली जो है ओवरऑल प्लान बना सको वेबसाइट का.